इसका बैकग्राउंड ये है कि 15-20 दिन से खल्दवानी के अलग अलग क्षेत्रों में और उससे पहले से भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी अतिक्रमण पर कार्रवाइयां हुई हैं। अन्य जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने के संबंध में जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित करी गई है। सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरकारी संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग करी जा रही है। जो कब्जे हैं उनको हटाया जा रहा है। जो सरकारी परिसंपत्तियां हैं उनको सुरक्षित करने हेतु अधिकारियों के उत्तरदायित्व निर्धारित करे जा रहे हैं। आपके मीडिया के द्वारा इसको समय समय पर रिपोर्ट भी करा गया है। पिछले 15-20 दिनों से एक ड्राइव हल्द्वानी क्षेत्र में नगर निगम की परिसंपत्तियों के संबंध में चला। शहर के जो चौराहे हैं, सड़कें हैं, ट्रैफिक कंजेशन से मुक्ति दिलाने के संबंध में उनके चौड़ीकरण की एक्टिविटी भी चली। सभी जगह विधिक रूप से प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सभी को नोटिसेस दिए गए, सुनवाई के अवसर दिए गए। सुनवाई समिति ने करके प्रत्येक व्यक्ति को एक एक करके सुना और सबका निस्तारण किया। निस्तारण करने के बाद कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी अप्रोच किया। कुछ लोगों ने, कुछ को समय मिला, कुछ को नहीं मिला। जहां पर समय नहीं मिला वहां डिमोलिशन ड्राइव भी नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के माध्यम से अपनी अपनी परिसंपत्तियों पर टेकअप करी गई। तो मेरा ये स्टोरी, ये बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि ये कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं थी, ये कोई एक ही परिसंपत्ति को टारगेट करके करी हुई एक्टिविटी नहीं थी। ये पूरे काफ़ी लंबे समय से हल्द्वानी के अंतर्गत सरकारी परिसंपत्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में बचाने का, सुरक्षित करने का, अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चल रहा है। उसी के क्रम में इस प्रॉपर्टी पर, जो कि खाली प्रॉपर्टी है, जिसमें दो स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड हैं, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त हैं। उन स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग मदरसा कहते हैं, कुछ लोग उसको नमाज स्थल कहते हैं, लेकिन उसका विधिक रूप से दस्तावेजों के अंतर्गत कोई अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। उनको हमने खाली कराया, जो ओपन स्पेस था उसका कब्जा ले लिया गया और एक नोटिस परिसंपत्तियों पर, स्ट्रक्चर्स पर चस्पा करा गया, क्योंकि कथित रूप से ये एरिया मलिक का बगीचा नाम से जाना जाता है, जबकि कागजों में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं नगर निगम के, वहाँ मलिक का बगीचा के नाम पे दर्ज नहीं है, नगर निगम की नजूल भूमि के रूप में दर्ज है। तो इन स्ट्रक्चर्स पर नोटिस चस्पा करे गए और खुद से ही अपना अतिक्रमण 3 दिन के अंदर हटाने के निर्देश दिए गए। 3 दिन के अंदर अतिक्रमण न हटाए जाने की दशा में या तो अपने अभिलेख प्रस्तुत करेंगे जिससे स्वामित्व सिद्ध हो सके, या तो हटाएंगे, अदरवाइज नगर निगम द्वारा हटा दिया जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस संबंधितों को 30 तारीख को दे दिए गए थे। उसके बाद 4 तारीख की तिथि निर्धारित करी गई, जिसमें 3 तारीख को काफी ज्यादा मात्रा में जो प्रतिनिधि गण हैं, जो भी हितधारक लोग हैं, आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले लोग हैं, वो संभ्रांत लोग नगर निगम के सभागार में आए और हमारी टीम के साथ चर्चा करी। उन्होंने काफी सारे विधिक बिंदु रखे, उन्होंने अपने प्रत्यावेदन दिए और हमसे ये मांग करी कि हमें उच्च न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में जाने का एक अवसर दिया जाए, माननीय उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा हमको स्वीकार होगा। उसके बावजूद जब हमने समय नहीं दिया, क्योंकि हम ऑलरेडी समय दे चुके थे, तो हमारी जो रात को फ्लैग मार्च की कार्रवाई हुई, फोर्सेज वहां पहुंची अगले दिन के डिमोलिशन ड्राइव के लिए, तो उनके द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करे गए, जिसमें एक 2007 का एक ऑर्डर था। 2007 में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जिलाधिकारी नैनीताल को एक ऑर्डर किए गए थे किसी प्रार्थना पत्र के डिस्पोजल के लिए, पर्टिकुलर परिसंपत्ति के संबंध में। उसका जब हम लोगों को वो कागज रिसीव हुआ, तो उस कागज की, उस आदेश की सैंक्टिटी को सुरक्षित रखते हुए, उसका सम्मान करते हुए हमारे द्वारा अपने कार्यालय से उसकी पत्रावली ट्रेस कराई गई और ये वेरीफाई किया गया कि इसका डिस्पोजल क्या 2007 से लेकर 2024 तक किया गया या नहीं किया गया। उसका डिस्पोजल की जब विधिक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई, तो जल्दबाजी में डिमोलिशन ड्राइव ना करके उसको उस दिन रोक दिया गया, ताकि संबंधित पक्षों को वैधानिक कार्रवाई करने का पर्याप्त अवसर दिया जा सके। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में ऐसी कोई कार्रवाई ना हो जो विधि विरुद्ध हो या लीगल प्रोसेस अपना कर ना करी जाए। ये हमने एक्टिविटी को रोका गया, मदरसा जिसको कहा जा रहा है उस भवन को सील कर दिया गया, सभी की सहमति ली गई, वो हमारे पोजीशन में था, नगर निगम के एडमिनिस्ट्रेशन के पोजीशन में था, पीएसी वहां पर पोस्टेड थी, किसी भी व्यक्ति का उसमें कोई अहित होने की संभावना नहीं थी, कोई उसके अंदर रह नहीं रहा था, कोई बेघर नहीं हो रहा था, किसी का घर, आवास स्थान उसमें इन्वॉल्व नहीं था। दैट वॉज अ स्ट्रक्चर विच वॉज इलीगल और उसको डिमोलिश करने से पहले जितनी भी विधिक प्रक्रियाएं हो सकती हैं वो पूर्ण करी गई।
जब हमने अगले दिन 2007 के ऑर्डर का डिस्पोजल किया नेक्स्ट डे अपने कार्यालय में, उसके बाद इस बीच में संबंधित पक्ष के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से नोटिस पर स्टे लगाए जाने की डिमांड करी गई। माननीय उच्च न्यायालय ने दो दिन सुनवाई करी और दूसरे दिन सुनवाई में ये निर्देश दिए कि जो याचिकाकर्ता पक्ष है उनको किसी भी प्रकार की राहत दिए जाने से मना कर दिया गया। जो हम लोगों को जो माननीय उच्च न्यायालय से हमारा कम्युनिकेशन का माध्यम होता है अपने सरकारी एडवोकेट्स के थ्रू, उनके थ्रू कम्युनिकेट हुआ प्रॉपर इन राइटिंग के ओरल ऑर्डर्स में किसी भी प्रकार का रिलीफ संबंधित पक्षों को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा नहीं दिया गया है। तो ये मूवमेंट हम लोगों ने, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन तो 3 दिन पहले ही कंप्लीट हो गई थी डिमोलिशन ड्राइव की, हमारी टीमें 3 दिन पहले से डिमोलिशन ड्राइव के लिए तैयार थी, तो हमने डिमोलिशन ड्राइव करने शुरू करने का निर्णय लिया। तो हमारे द्वारा डिमोलिशन ड्राइव जो है कंटिन्यू करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि किसी भी प्रकार का स्टे संबंधित परिसंपत्ति पर नहीं था, किसी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं था। सामान्य रूप से एक विधिक प्रक्रिया अतिक्रमण हटाए जाने की अलग अलग क्षेत्रों में चल रही है, तो इस क्षेत्र में भी करी गई। इसको हमारी टीमें मूव हुई, हमारे रिसोर्सेज मूव हुए, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, किसी को प्रवोक नहीं किया गया, किसी को उकसाने की कोशिश नहीं करी गई, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी एक्टिविटी करने की कोशिश नहीं करी गई जिससे कि जन संपत्ति की हानि हमारी टीमों के माध्यम से या प्रशासन या पुलिस के माध्यम से हो। पीसफुली डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुआ, प्रिवेंशन के लिए फोर्स लगाई गई, अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो लगाई गई, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड अनहार्म्ड अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वॉज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। तो पत्थरों का अटैक हुआ, जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ उनको डिस्बर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा लगा कर फेंकी। आप लोगों ने वीडियो फुटेज में भी देखा, आप लोग अभी तक सब कवर भी कर चुके हैं। ये फेंका गया, ये भी अनप्रोवोक्ड था, बिल्कुल प्रोवोक नहीं किया गया था। तब तक हमारी टीम ने किसी भी प्रकार का फोर्स इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया था। दे वर बिजी इन डिमोलिशिंग द स्ट्रक्चर और प्रोटेक्टिंग देमसेल्स, प्रोटेक्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी। तो उसके बाद जब पेट्रोल बम आगजनी की घटनाएं शुरू हुई और उसके बाद भी टीमें पीछे नहीं हटी, तो थर्ड स्टेप में उस मॉब जो था अराजक तत्व, उनके द्वारा थाने का घेराव किया गया। थाने में हमारे मजिस्ट्रेट थे, हमारे पुलिसकर्मी थे, हमारे ऑफिसर्स थे, हमारी कुछ मशीनरी थी, टीमें थी, असला था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो थाने को घेरा गया, थाने के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, उन पर पहले पथराव किया गया, फिर पेट्रोल बम फेंके गए, थाने के बाहर खड़े वाहनों में आग लगा दी गई। उसका जो धुआं था आगजनी का, वो धुआं सारा थाने में भर गया और अंदर जो ऑफिसर्स थे उनको सफोकेशन होने लगा। तो पहले अनाउंस करा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, अनाउंस करा गया लाउड स्पीकर पर कि आप लोग डिस्पर्स हो जाएं, अन्यथा हमको बल प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद पानी की बौछार भी अग्निशमन के माध्यम से करी गई ताकि उस आग को बुझाया जा सके और जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको सफोकेशन से बचाया जा सके, ये भी किया गया। उसके बाद भी जब वो मॉब डिस्पर्स नहीं हुआ, तो कुछ जगह से ये सूचना आई कि जो रिवॉल्वर होते हैं या वैध या अवैध है वो सब जाँच का विषय है, जो भी असलहे हैं, जो भी आर्म्स हैं, उनके माध्यम से कुछ फायरिंग स्टार्ट करी गई थाने पर डायरेक्टली, थाने में अंदर जो टीमें थी उन पर डायरेक्टली। उसके बाद जो है फोर्स इस्तेमाल करने के आदेश दिए गए, कर्फ्यू इम्पोज करा गया,
फायर ओपन करने के आदेश दिए गए, कमर के नीचे फायर ओपन करने का हमारे स्थानीय मजिस्ट्रेट ने वहाँ ऑर्डर किया। इस स्थिति को देखते हुए, हमारी टीमों की सुरक्षा को देखते हुए, उसमें फोर्स हमारा जो मैक्सिमम यूज हुआ वो थाने के प्रोटेक्शन में यूज हुआ। बाकी जगह पर ज्यादा फोर्स यूज करे बिना सिर्फ अपने आप को असर्ट करते हुए, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए ही एरिया को बचाया गया। जैसे ही थाने से इन लोगों को डिस्बर्स किया गया जो अराजक तत्व थे और वहां उपद्रव मचा रहे थे और लोगों की जान लेने की कोशिश कर रहे थे, थाने से डिस्बर्स करने के तुरंत बाद एक क्षेत्र पड़ता है गांधीनगर, आप सब लोग जानते हैं, इस मॉब के द्वारा उस क्षेत्र को घेर लिया गया। गांधीनगर के क्षेत्र में मिश्रित आबादी है, वहाँ सभी धर्मों के सभी कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, कोई एक विशेष समुदाय वहाँ निवास नहीं करता है। उस क्षेत्र को घेरा गया, उससे भी टेरराइज करने की जो है कोशिश करी गई स्टेट मशीनरी को भी और वहाँ रहने वाले स्थानीय निवासियों को भी। उसके बाद हमारा, क्योंकि रेनफोर्समेंट भी आ गया था, हमारी बहुत सारी PSC आ गई थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस आनी शुरू हो गई थी, तो हमारा पहला प्रायोरिटी था थाने को प्रोटेक्ट करने के बाद कि हम गांधीनगर में किसी प्रकार का जो है अराजकता ना होने दें। हमने उसको प्रोटेक्ट किया, वहाँ किसी प्रकार की कोई जो है जनहानि नहीं होने दी, वहाँ किसी प्रकार का बहुत अतिरिक्त फोर्स यूज करे बिना किसी भी प्रकार के जो है एक्सेस फोर्स के उसको कंट्रोल करा गया। बनभूलपुरा से मॉब क्योंकि भारी मात्रा में निकल रहा था, तो हमारी टीम का जो पूरा प्रयास रहा, SSP मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनकी फोर्स ने काफी धैर्य का परिचय दिया वहां। पूरा प्रयास ये रहा कि हल्द्वानी का जो मेन शहर है उसको बचाया जाए, उसमें किसी भी प्रकार से मॉब को एंटर ना होने दिया जाए, जो प्रभावित क्षेत्र है उसको लिमिट किया जाए। उसको लिमिट किया गया, लगभग पूरा ही प्रशासन, पूरी पुलिस फोर्स इस काम में लगी हुई थी कि हल्द्वानी के अन्य क्षेत्रों में, बनभूलपुरा का प्रभावित क्षेत्र छोड़कर अन्य किसी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के रिटेलिएशन में या किसी भी अन्य रूप से कोई घटना घटित ना हो। और मैं इस मामले में हल्द्वानी के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी और साधुवाद देना चाहूंगी कि आप सब ने प्रशासन का सहयोग करा, पुलिस का सहयोग करा, अन्य क्षेत्रों में किसी भी कम्युनिटी के लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई प्रतिक्रियात्मक जो है घटना घटित करने की कोशिश नहीं करी। सब लोग शांतिपूर्वक अपने घरों में रहे, अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। जो लोग प्रवोक करने की, भड़काने की, उकसाने की कोशिश कर रहे थे, उनके उकसाने में नहीं आए। तो ये हल्द्वानी की जो सामान्य जनता है, जिन्होंने कल बहुत शांति और धैर्य का परिचय दिया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। जो ये एक्टिविटी थी, ये पूरा जो डिमोलिशन ड्राइव था, ये कोई आइसोलेटेड ड्राइव नहीं था। मैं पहले ही आपको एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये लगातार चल रही चीज थी। एक एरिया में ही ये घटना हुई, अदर एरियाज में डिमोलिशन ड्राइव्स टेकअप हुए, बड़े बड़े ड्राइव्स टेकअप हुए, 10-10, 20-20 दुकानों के, मकानों के ड्राइव्स टेकअप हुए, वहाँ किसी प्रकार का कोई रिटालिएशन पुलिस पर, प्रशासन पर नहीं किया गया। जिस प्रकार की घटना कल घटित हुई है, उससे ये प्रतीत हो रहा है कि जितना ज़्यादा समय दिया जाता, ये हमारा मंतव्य है कि जितना ज़्यादा समय दिया जाता उतना ज़्यादा प्रिपरेशन बढ़ती और उतना ज़्यादा हल्द्वानी में और ज़्यादा जनहानि और संपत्ति की हानि के हालात उत्पन्न होने की संभावना बढ़ती। क्योंकि आज नहीं तो कल नगर निगम को, प्रशासन को अपनी परिसंपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराना ही था और विधिक प्रक्रिया कंप्लीट हमने करी है, कंप्लीट करने के बाद ही डिमोलिशन ड्राइव शुरू करे हैं। किसी भी जगह पर अचानक से हमने कोई एक्टिविटी शुरू नहीं करी। तो ये हम लोगों का असेसमेंट रहा कि अगर हम बहुत ज़्यादा समय देते तो उतना ही ज़्यादा प्रिपरेशन का टाइम मिलता। मैंने एविडेंस के साथ आपको बताया कि 30 तारीख से 8 तारीख के बीच में कितना प्रिपरेशन किया गया है। तो अगर हम और समय देते तो ये ज़्यादा हो सकता था। तो ये निर्णय सही था कि ज़्यादा समय ना दिया जाए, जितना जल्दी, जितना आसानी से, स्मूथली इस एक्शन को किया जा सकता है उतना किया जाए। उसमें अंदेशा हमेशा होता है, जब आप कोई इस तरह के ड्राइव्स टेकअप करते हो डिमोलिशन की, जब आप अपनी परिसंपत्ति की सुरक्षा करते हो, तो थोड़ा बहुत विरोध की, थोड़ा बहुत जो है प्रदर्शन की, अपना जो है लॉ ऑर्डर की सिचुएशन की संभावनाएं रहती हैं। पर दिस काइंड ऑफ रिएक्शन विदाउट प्रोवोकिंग, विदाउट हार्मिंग एनीबडी, किसी का घर नहीं टूट रहा है, कोई बेघर नहीं हो रहा है, कोई डायरेक्टली हार्म नहीं हो रहा है, देर इज अ स्ट्रक्चर विच इज ऑलरेडी इन पोजिशन ऑफ नगर निगम, विच हैज ऑलरेडी बीन सील्ड बाई द गवर्नमेंट, जहाँ ऑलरेडी गवर्नमेंट की प्रेजेंस अवेलेबल है, कब्जे में है, कंप्लीटली अवैध सिद्ध हो चुका है सभी प्रकार की विधिक प्रक्रिया में, उस पर। और दूसरी चीज और मैं जो आपको कहना चाह रही हूँ, उसके बाद आप लोगों के सवाल हम लोग लेंगे, वो ये है कि
जो मॉब था वो इस स्ट्रक्चर को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो हमने जितना वीडियोस में देखा, हमने जितना महसूस करा, वो अथॉरिटीज को अटैक करने की कोशिश कर रहा था। इट वॉज नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, इट वॉज अगेंस्ट द स्टेट मशीनरी, इट वॉज अगेंस्ट द स्टेट अथॉरिटीज, इट वॉज अगेंस्ट सिंबल्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी, थाना। ये थाने को जो अटैक करने वाली चीज थी, ये स्टेट के जो सिंबल्स होते हैं, सिस्टम के जो सिंबल्स होते हैं, वो अटैक करने की एक तरह से कोशिश थी। ये कम्युनल नहीं था, ये स्टेट मशीनरी के ऊपर एक तरह का ये प्रयास था कि हम लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर है। वट एवर, जो भी लोग ये उपद्रवी थे, जितनी भी संख्या में थे, वहाँ अच्छे लोग भी रहते हैं, वहाँ ऐसे लोग भी रहते हैं जो बिल्कुल पीसफुल हैं, वहाँ ऐसे लोग भी रहते हैं जो वास्तविक रूप से डरे हुए थे। मेरा आप लोगों से सबसे अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचा जाए, ताकि जो लोग अंदर रहते हैं, जो बिल्कुल शांति व्यवस्था के साथ रहना चाहते हैं, कानून का पालन करना चाहते हैं, कानून का सम्मान करना चाहते हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई खतरा उत्पन्न ना हो किसी भी प्रकार की अफवाहों की वजह से। तो ये जो मॉब था, जिन लोगों ने भी ये घटनाक्रम कल घटित किया है, इस मॉब का पूरा प्रयास स्टेट के जो सिंबल्स होते हैं, सिस्टम के जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो सिंबल्स होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था होती है, कानून की जो व्यवस्था होती है, उसको चुनौती देने का प्रयास था, उसको ये दिखाने का प्रयास था कि हम कानून से ऊपर हैं, जिसका प्रत्युत्तर प्रशासन और पुलिस फोर्स की टीमों ने दिया और परफेक्टली इसको मैनेज किया। हल्द्वानी की शांति व्यवस्था को ना बिगड़ने देना हमारी प्राथमिकता है, हमारा आज भी यही प्रयास है, कल भी यही प्रयास था और आगे भी यही प्रयास रहने वाला है।